हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि अब समर चल रहा है तो समर में हम होममेड पाइनएप्पल क्रश बनाने वाले हैं आज। तो इसके लिए फ्रेश पाइनएप्पल लेंगे, उसके छोटे पीसेस बना लेंगे। मिक्सी में हमें बिना पानी के साथ इसकी प्यूरी बना लेनी है। अब इस प्यूरी को हम एक पैन में डाल देंगे और कुक करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर चीनी अब जितना आपका पाइनएप्पल खट्टा हो उस हिसाब से जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक पाइनएप्पल यूज किया है, लगभग मैंने 150 ग्राम यहाँ पर चीनी का यूज किया है। तो चीनी और पाइनएप्पल को अच्छी तरह से कुक करना है हमें। तो ये देखिए, पाइनएप्पल और चीनी मेल्ट होने के बाद ये थोड़ा सा लिक्विडी लगेगा, बट हमें लो फ्लेम पर इसे कुक करते जाना है। 5 से 6 मिनट में इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आप भी पाइनएप्पल क्रश बनाकर 1 महीने तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया है, अच्छा कलर आने के लिए आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद हम फ्लेम को जो है एकदम लो कर देंगे और नींबू का जो है जूस उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने आधा नींबू यूज किया है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को जो है अब स्विच ऑफ करना है। ये ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। इस स्टेज पर हमें फ्लेम को ऑफ करना है, वरना ये जो पाइनएप्पल का क्रश है वो जैम बन जाएगा। तो अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब ये जो हमारा पाइनएप्पल का क्रश है उसे ठंडा होने के बाद उसमें हम ऐड कर देंगे पाइनएप्पल एसेंस 2 से 4 ड्रॉप्स जितने। आप इस पाइनएप्पल क्रश का यूज ड्रिंक्स बनाने में, केक पेस्ट्रीज को डेकोरेट करने में यूज कर सकते हो। रेफ्रिजरेटर में 1 महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए ठंडा होने के बाद। अब इसे हम ड्रिंक बनाएंगे। मेरी वीडियो रेसिपीज पसंद आती हो तो आप लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए, मैं आपको ड्रिंक बनाकर भी दिखाती हूँ पाइनएप्पल वाली। तो कुछ आइस क्यूब्स लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ये क्रश डाल देंगे, साथ ही में चिल्ड पानी, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारी होममेड पाइनएप्पल ड्रिंक रेडी है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मार्केट में प्रिजर्वेटिव और केमिकल से भरी हुई ड्रिंक्स ना लें। ये होममेड रेसिपी जो है आप भी जरूर ट्राई करें। तो मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।